kapatayım efendim. Kan bakar sandın. Kan bakar asko. Ama işte İzliye Maraş hoşunuta. Kese ha gunge bane hue ho. Kyo gunge bane hue. Kahan hoye hum. Kahan jaye hum. Kahan mare hum apne aap ko. Batao. Santam na do mujhe. Main police wala se mang rahi hu. Ye mera desh kaise hua? Mujhe stand rakhne ka adhikar nahi tha. Ye desh mera kaise hua? Mujhe shiksha ka adhikar nahi tha. नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद हैं दौलत राम कॉलेज के गेट नंबर एक पर, जहां डॉक्टर रितु कभी प्रोफेसर हुआ करती थी और बच्चों को पढ़ाया करती थी, लेकिन बाद में जो है उन्हें निकाल दिया गया और जिसकी वो लड़ाई लड़ रही हैं, आज हम उसी कॉलेज के बाहर खड़े हैं। आंदोलन की जो है बहुत बड़ा आंदोलन जो छिड़ गया है डॉक्टर रितु के समर्थन में, और अब जो है रैली निकाली है, मार्च निकाला है। धीरे धीरे अपने लोगों को जगाएंगे। वोट हमारी है, 90% वोट हमारी है।
90% वोट हमारी है, ठीक है, 90% वोट है। अपने लोगों को जगाएंगे, आंदोलन करेंगे, मर जाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को इस तरीका का दंश सहन सहन नहीं करने देंगे। जब तक जान है तब तक आंदोलन करेंगे। सरकारी नौकरी छोड़ के लगे हुए गुंडी सविता, तेरी जैसी सारी गुंडियों को हम जो है बर्बाद करके छोड़ेंगे सड़कों पे लाके। आंदोलन बड़े से बड़े आंदोलन को कुचल देने में, अरे सरकार जलती है, जल डरती है। ये 90% जनता उसका वोट बैंक है, ये इससे पंगा नहीं ले सकती। जिस दिन जनता जाग गई उस दिन ये खुद हमारे तलवों में आ जाएगी, क्योंकि अंग्रेज भी भागे थे कि जनता जाग गई है अब देश छोड़ना पड़ेगा। तो जिस दिन इनको भी पता चल जाएगा कि ये संघ तो बढ़ता चला जा रहा है, ये अपने आप यहाँ से निकल जाएंगे और हमारी बहन बेटियों को न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। यह जंग अब लूटने वाली नहीं है, यह मर के हमारी चिताओं पर इस देश को आजादी दिला के रहेंगे। लेकिन अपना अपमान नहीं सहेंगे, अपनी नौकरियों पर किसी गुंडों का कब्जा करने नहीं देंगे। सविता तेरे को जेल भिजवा के रहेंगे, चिंता मत कर। बालाजी क्या रास्ते के रास्ते से न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल, देखिए हमारे लिए क्या है, हमारे लिए कोर्ट नहीं है, हमारे लिए कोर्ट नहीं है, हमारे लिए मीडिया नहीं है, हमारे लिए जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए सड़क है, हमारे लिए आंदोलन है। हमें ये तो अधिकार दिया है ना बाबा साहब ने कि हम सड़कों पर आकर अपनी बात कह सके, अपने लोगों के बीच में जाके अपनी बात कह सके। मैं किसी आरएसएस के घर में नहीं जा रही, मैं किसी संगी के घर नहीं जा रही, मैं अपने भाई बहनों के बीच में हूँ। तो ये लोकतंत्र है, मैं अपनी बात रख सकती हूँ और इसी तरीके से जो है मिशन जो है जागेगा। 72 दिन में जहाँ थे आप वहीं हैं, देखिए अभी नहीं 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 डर डर के पल पल मर रही होगी। उसकी डॉक्टरी रिपोर्ट चेक कर लेना सविता राय की, उसको देखो, उसका डॉक्टर सविता राय का रिकॉर्ड देखो कि उतने दिनों में कितना बीपी उसका बढ़ गया, शुगर कितना बढ़ गया, उसे लोग कितना बजा रहे हैं, आके दिखाए ना। अगर डर नहीं है तो खुली सड़कों पे खो आके दिखाए, गेट पे आके दिखाए। हम गेट पे आए, डॉक्टर रितु गेट पे आई। जब मेरी बेटी पढ़े और इनकी जो है ना ठोकरें सहन करे, मेरी बेटी की कोई इज्जत नहीं है, मेरी बहन की कोई इज्जत नहीं है, भावनाएं इनकी ठेस होती है, हमारी ठेस नहीं होती है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारी शिक्षा नहीं है और इनकी शिक्षा हो गई। सारे डाटा निकलवा लो, जितना मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में, यूनिवर्सिटी में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सब संघी है। अगर किसी का अपॉइंटमेंट लगना है तो संघी की स्टैंप लगनी चाहिए, तभी जो है एडॉक पे भी लगेंगे। तो कैसी जनता, भारत का संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन अपने नाम पर कलंक लेके जाएगी। तेरे आने वाली पीढ़ी को मैं श्राप देती हूँ, वो जो है इसी तरीके से शोषित होती रहे, पीड़ित होती रहे और तेरे गुनाहों की सजा तेरे परिवार को मिले और तुझे मरे, तू कीड़े के मर। श्राप दे रही है क्या आप? मैं श्राप दे रही हूँ, क्योंकि इन्होंने श्राप दे के हमें डराया, आज मैंने इनकी विद्या सीख ली है और मैंने भी श्राप दे दिया है। और मैं कह दूँ जिसको मैंने श्राप दिया है वो बचा रहा, क्योंकि हमारे आंसू नकली नहीं है। जब गरीब रोता है, जब शोषित रोता है, तो उसके एक एक आंसू, उसका एक एक पसीना जो है उनके कोड़ बन के फूटता है जुल्मी के शरीर से। इस बात को आप रिकॉर्ड करना, हिटलर भी जो है भुगत भुगत के मरा था, तो आप ये भी यही भुगत भुगत के मरेंगे, क्योंकि हाय सबसे बातों से लगता थक गए हैं। नहीं, हम थके नहीं हैं, हम जो है परेशान है कि कैसे देश में हम जो है इतने दिनों से इसे पाल रहे थे, पोस रहे थे, लेकिन जब हक अधिकार मांगने लगे तो हमारा कोई भी नहीं खड़ा मिला। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ हो रहा है, तो हम सहन नहीं कर पा रहे इस दुख दर्द को कि जो नेता कहते हैं हम तुम्हारे हैं वो हमारे नहीं है, जो जज कहते हैं हम तुम्हारे वो हमारे नहीं है। तो हम तो लुट गए ना, हमें तो कोई अपना नजर ही नहीं आ रहा, हमें तो सारा बड़ा बड़ा चैनल, टीवी, हीरोइने, हीरो सब जो है ब्यूरोक्रेसी, गवर्नर, एमपी, एमएलए, सीएम, प्रधानमंत्री, कोई हमारा नहीं है। मैं तो लुट गई, मैं कैसे देश में पैदा हो गई, मैंने कैसे देश में पढ़ाई करी कि जब मैं बड़ी तो अधिकार की बात करी तो मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा। अरे अंबेडकर वादी तो संघर्षों के आदि होते, आपने अभी से हार मान ली? नहीं, मैंने हार नहीं मानी, हम जो है अपनी अपनी चिता की अग्नि जो है इसी संघर्ष में देंगे। लेकिन मैं दुखी हूँ कि इतने निर्मम, इतने जो है कुंठित लोग आज भी जिंदा है, जब देश 75 साल अमृत आजादी का महोत्सव बना रहा है, तब भी ऐसे लोग गुंडे कि इतने सैक हजारों लाखों लोग सड़कों पे खड़े हैं फिर भी जूनी रेंग रही। बैठकर समझौता क्यों नहीं कर लेते बातचीत?
बाहर के बैठ के समझौता क्यों नहीं कर लेते? तो समझौता जो है करने को तैयार है कि चार्जशीट तेरे पे लग गई है, तू पुलिस में जा और नौकरी को सस्पेंड कर दे। मैंने क्या किया था? मुझे क्यों सस्पेंड किया गया? मैंने तो किसी को जो है ना 420 नहीं करी, मैंने किसी को निकाला। देखिए ये एजुकेशन की बड़ास है, ये शिक्षा की बड़ास है। जिस देश में शिक्षा मरती है, जहाँ जिस देश में शिक्षक रोता है, वो देश समझ लो पतन की ओर है। ये शिक्षक ही है जितने भी जो पीड़ा सहन कर रहे हैं, और शिक्षा की कब्र इस देश में नहीं खुद सकती, क्योंकि सावित्री बाई फूले ने, ज्योतिबा फूले ने रग रग में शिक्षा की लो भर रखी है। तब तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, अब तो इतनी महिलाएं, लाखों महिलाएं SC ST OBC की पढ़ी लिखी है, इन्हें रोकना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ए गुंडाइयों, ए RSS के लोगों, ए मनुवादियों, तुम्हारी इतनी कट्टरता आए ज्योतिबा फूले पे क्या बीती होगी, आए सावित्री बाई फूले पे क्या बीती होगी जब उन्होंने पहला स्कूल खोला था? तुम तो हमारे हकों के लिए ही जो है हमें रुला रहे हो, उनका साथ क्या किया होगा तुमने? बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कितनी जातियाँ की होगी, कैसे गरीबी में बाबा साहब ने सही होगी, ये सोच सोच के हमें रोना आ रहा है। ए काशीराम जी, हमें पता चल गया है कि ये मनुवादी, ये RSS के लोग आपके साथ कितना टॉर्चर करते होंगे, आपको कितना परेशान करते होंगे। ए मेरे परियार, ए मेरे ललई सिंह यादव, ए मेरे ललई सिंह यादव, आपकी पीड़ा मैं आज समझ रही हूँ, आपकी पीड़ा मैं आज समझ रही हूँ। या सही को सही नहीं कह सकते, ये भारत देश ऐसा है जहाँ पर जो है गुंडों का राज है। आज भी अंग्रेज तो चले गए, लेकिन काले अंग्रेज आज भी बैठे हैं। ये काले अंग्रेज कौन है ये हमें समझना पड़ेगा। जब तक ये काले अंग्रेज नहीं जाएंगे, तब तक मेरे देश में जो है आजादी पूर्णता नहीं आएगी। कौन है? मनुवादी, RSS, गोरे गोरे हैं RSS, उनके अंदर, उनका अंदर काला भरा पड़ा है। सारे बौद्ध विहारों को काले दिलों वालों ने मंदिर बना दिया, और जितने भी हमारे टैलेंटेड लोग थे उनको जो है सस्पेंड कर देते हैं, निकाल देते हैं। हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट को मरने के लिए, खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो आपने सुना, देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो है वो आंदोलन चल रहा है, और बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं, अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगह से चलकर आए हैं, पंजाब हरियाणा से भी कुछ लोग आए हुए हैं। और डॉक्टर ऋतु का जो ये आंदोलन है, अब वो बड़े जन सैलाब में महा आंदोलन की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। आपको तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नगाड़ा बजाते हुए डॉक्टर ऋतु जो है शेरनी की तरह आगे बढ़ रही हैं, और उनके पीछे जो है ये संख्या जन सैलाब चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपने देखा किस तरीके से दलित राम कॉलेज के गेट पर जाके ये दहाड़ के आए हैं ये सभी, और हमने वो आपको सीधी तस्वीरें दिखाई है। पूरी बातचीत पर जो है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्री नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।